सो हाय, दिस इज नीश, वेलकम टू माय चैनल नीश शो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन लाइक बाउंस इन्फिनिटी का जो E1 स्कूटर है उसकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लुक से चेकआउट करवा देता हूँ, कैसा कि अपने को लुक्स में देखने को मिलता है, देन उसके बाद इसके फीचर्स वगैरह की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इसका लुक चेकआउट कर दो, यहाँ पे बेसिकली ऐसी कुछ इसकी की देखने को मिलती है, बाउंस इन्फिनिटी ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा रहेगा। की काफ़ी सिंपल है, नो डाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट से अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये चेकआउट कर दो, यहाँ पे इसमें DRL और हेडलाइट्स का कंसोल दिया गया है, उसको जब भी अभी लाइक मैं की से एक्सेस करके बता दूंगा कैसा क्या देखने को मिलेगा। ये अगेन इसमें DRL से देखने को मिलेंगी, नीचे में अगेन ये हेडलाइट ऑन रहती है ऑब्वियसली ये, एंड इसको अपन हाई बीम के लिए यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा नीचे में अपने को नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, एंड ये जो फाइबर लाइक फ्रंट का जो फेशिया है इसका, वो ऑब्वियसली अपने को फाइबर पार्ट में देखने को मिलेगा। एंड नीचे में अगर चेकआउट करवाऊँ ना, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये ऑब्वियसली ब्लैक पोर्शन है, एंड ब्लैक पोर्शन है इसका, ब्लैक का इंसर्ट है, ऑब्वियसली लुक काफ़ी एनहांस करे। इसके दोनों साइड में अपने को इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर का लुक चेकआउट करा दूँ, ऐसा कुछ अपने को इंडिकेटर देखने को मिलता है। ऑब्वियसली 3 स्लाइड्स में है, काफ़ी अच्छा लगता है, फुल्ली LED है बेसिकली पूरा स्कूटर अगर बात करें तो। एंड ये जो लाइक फ्रंट में जो इसका फेस बनाया है, ऑब्वियसली काफ़ी फिट एंड फिनिश के साथ आता है। यहाँ पे इवन यहाँ के इसके लाइक पैनल गैप्स भी चेकआउट करवा दूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इवन काफ़ी फिनिश है। ये काफ़ी अच्छी लगी लाइक मुझे इस चीज़ में, फिट एंड फिनिश में, लुक्स में भी। ऑब्वियसली फ्रंट का जो मड गार्ड है, ऑब्वियसली मैं फाइबर पार्ट में देखने को मिलेगा, ये कुछ सीन है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक के साथ अपने को यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक देखने को मिलेगा दोनों टायर्स में। अगेन रियर में भी अपने को डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलता है, सो ये कुछ सीन है। एंड यहाँ पे टायर की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिस के हैं, यहाँ पे व्हील्स देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। साथ ही टायर साइज अगर चेकआउट करूँ तो इसमें 90-90-12 के इसमें टायर्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये कुछ इसका लुक निकल के आता है, ट्यूबलेस टायर है, ऑब्वियसली रेडियल टायर है, सो काफ़ी अच्छा एक एनहांसिंग प्रोपोर्शन लगता है इस बाइक स्कूटर का। साइड से एक बार इसका लुक चेकआउट करवा दूँ, ऐसा कुछ देखने को मिला है ऑब्वियसली। एंड अगेन इसमें साइड स्टैंड भी है, ये बेसिकली इसमें प्रोटेक्शन का काम नहीं करता, बट इसका जो एलॉय में बना हुआ है ऑब्वियसली एलॉय के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, ड्यूअल टोन में है ये। इसमें अगेन कैप दी गई है इसे एलॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ की जो ये जो फुटरेस्ट है लाइक फुटस्टेप जो बनाया गया है, ये थोड़ा सा थिक है बट नहीं लगता ज़्यादा कुछ। ओवरऑल ये कलर है ऑब्वियसली अपने को सिल्वर कलर देखने को मिलता है, क्वालिटी वाइज ठीक है, ऑब्वियसली फाइबर पार्ट है बट सो नो डाउट उसे ऐसा कोई इशू होगा नहीं अपने को। ये कुछ इसका साइड का सीन है जो मैं आपको चेकआउट करवाया दिया। एंड अगेन थोड़ा सा साइड से जैसे चेकआउट करेंगे तो पीछे का जो पोर्शन है, यहाँ पे अपने को बाउंस का लाइक अपने को यहाँ पे बाउंस इन्फिनिटी की बेजिंग देखने को मिलती है। एंड अगेन यहाँ पे E.1 लाइक E1 इसका वर्जन है, वी कैन से वेरिएंट है, सो उसका एक स्टिकरिंग देखने को मिलता है। अगेन साइड से अगर चेकआउट कराऊँ तो पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है वो बेसिकली इसमें बॉडी कलर्ड आता है एंड काफ़ी स्मार्टली एक्सेस होता है, लाइक हल्का सा अंदर करते ही लॉक और अगेन इसको एक बार पुल करते ही अनलॉक हो जाएगा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सेंटर स्टैंड ऑब्वियसली इसमें देखने को मिलेगा, ऐसे कोई इशू है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रियर का कंसोल चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली अपने को ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं, उसके साथ इधर भी अगेन इसकी जो स्ट्रट बनी हुई होती है जिसको मोस्ट ऑफ द केस में अपन सीजर बोलते हैं, उसको भी अगेन इसमें बॉडी कलर्ड में या फाइबर पार्ट लगा के कवर किया गया है, ऑब्वियसली काफ़ी स्मार्ट लगता है। रियर टायर में देखें तो यहाँ पे 1.5 किलोवाट की ये, जैसा कि यहाँ पे चेकआउट करा दूँ, इसमें 48 वोल्ट्स 1.5 किलोवाट की मोटर देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, ये कुछ सीन है इसका। एंड मोटर पावर मैंने ऑलरेडी बता दी है, यहाँ पे अपने को 48 वोल्ट के साथ 1.5 किलोवाट की अपने को हब मोटर देखने मिलती है रियर व्हील में। रियर व्हील की साइज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 120/70R12 का ये टायर देखने को मिलता है, ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर है, नो डाउट मैक्सिस के टायर देखने को मिलेंगे। इसमें रियर का कुछ कंसोल है वो चेकआउट करा दूँ लाइक कैसा क्या आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रियर में जो ग्रैब हैंडल है, ऑब्वियसली अपने को ये लाइक हार्ड मेटल में, लाइक हार्ड प्लास्टिक टाइप का मेटल है, ऑब्वियसली मेटल नहीं कह सकते इसको, हार्ड प्लास्टिक है, उसमें देखने को मिलेगा। रियर की जो ब्रेक लाइट है ऑब्वियसली कंटिन्यूसली ऐसे जलती है, बट अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा फुल्ली जलेगी।
अगेन यहाँ पे थ्री स्लाइस में अगेन इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पूरी टेल लाइट है उसका कंसोल सिंगल देखने को मिलता है। उसके नीचे में अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, नीचे स्टिकरिंग लाइक इसका जो रिफ्लेक्टर है वो देखने को मिल जाएगा। ये अगेन फाइबर पार्ट है, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। रियर में जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे अपने को डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है एंड यहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी देखने को मिलता है। लाइक अपन जो रिवर्स का ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रंट का लाइट ब्रेक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इसका सीन है। इधर साइड से अगेन चेकआउट करवा दूँ, लुक काफ़ी अच्छा लगता है ऑब्वियसली। एंड नाउ अगर सीट की बात करें तो सीट पे अगेन यहाँ पे पीछे बाउंस के आप भी अपने को बना हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टिचिंग वगैरह की है, सीट रियली कम्फर्टफुली है। जैसे कि मैं चेकआउट करवा दूँ कितना क्या स्पंज देखने को मिलता है, ये कुछ ओवरऑल सीन है। उसके बाद अगर चेकआउट कराऊं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट का जो कंसोल है वो इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेग कंपार्टमेंट की बात करें तो वो भी अपने को काफ़ी देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू मी आल्सो। लाइक यहाँ पे मुझे काफ़ी लेग रूम ऑब्वियसली मिल जा रहा है। सीट कंफर्ट अच्छा है, हाइट भी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी है इसकी, तो ऐसा कोई इशू होगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लेफ्ट से बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली इसमें कुछ कंट्रोल्स हैं। ग्रिप है ऑब्वियसली प्लास्टिक में है, नो डाउट। यहाँ पे ब्रेक लीवर्स हैं, ये भी स्मार्टली हैं ब्लैक कलर में, नो इशू। एंड यहाँ पे जो इनफील्ड में जो मिरर्स आते थे कुछ कुछ वैसे मिरर हैं बट क्वालिटी वो नहीं है ऑब्वियसली। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे चेकआउट करवाऊँ तो ये चीज़ जो अपन एक्सेस करेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिरर अंदर से डीप है, यहाँ से आउट है, विच मीन्स ये लाइक साइड का जो वी कैन से वाटर इंसर्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। सो ये कुछ इसके लिए है साइड मिरर की अगर बात करें तो। उसके नीचे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये जो बटन है ये बेसिकली इसका क्रूज़ का और रिवर्स के लिए एक्सेस करने में होता है। इसका भी मैं जस्ट आपको यूज चेकआउट करवा दूंगा। इसमें अगेन क्रूज़ कंट्रोल भी अपने को देखने को मिल जाएगा। ये इसमें फ्रंट हेडलाइट के कंट्रोल हैं ऑब्वियसली हाई एंड लॉक का। ये इसमें इंडिकेटर के कंट्रोल हैं, ये कुछ बटन है इसका। उसके नीचे में अगेन हॉर्न का, हॉर्न आपको चेकआउट करवाता हूँ जस्ट वन सेकेंड। उसके पहले इधर का कुछ बता दूँ, लाइक अगर इसको अपन नीचे में करेंगे तो यहाँ पे हैजर्ड लैम्प ऑन हो जाएगा एंड ऊपर में करते हैं तो ये ऑब्वियसली फ्रंट में चलने के लिए रेडी हो जाती है। उसके नीचे में अगर बात चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पे अपने को इसमें तीन मोड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पावर मोड में है, देन उसके बाद इको मोड में आ गए, इको मोड के बाद इसमें ये ड्रैग मोड में आ गए। यहाँ पे बेसिकली अपने को तीन मोड्स देखने को मिलते हैं, तीनों मोड अपन एक्सेस कर सकते हैं नो डाउट। ये नीचे में इसमें सेल्फ का बटन होता है जिसको अपन इग्निशन स्विच भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों डिस्क ब्रेक हैं, सो फ्रंट में अपने को दोनों साइड अपन फ्यूल लाइक ब्रेक फ्लूड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके लिए कंटेनर दिए हुए हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे सेंटर में चेकआउट करा दो, यहाँ पे अपने को सामान टांगने के लिए हुक है, ऑब्वियसली प्लास्टिक है, नो डाउट वर्थ इट है इस स्कूटर के अकॉर्डिंग। ये कुछ इसका सीन है, फुल्ली लाइक इसमें मेटेलिक कलर में आता है सिल्वर के साथ, सो काफ़ी अच्छा लगता है। हेडलाइट का कंसोल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा इसमें हेडलाइट का कंसोल है जिसमें मीटर भी इंक्लूडेड है, इतना सा, ज़्यादा कुछ नहीं। बजाज चेतक का जो सीन है कुछ कुछ वैसा ही है यहाँ पे। इसकी हम बात करें तो जैसे अब इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद अपने को 2 to 3 seconds अपने को वेट करना होता है। देन वेट के बाद अपने को जो चीज़ें देखने को मिलती है वो आपको चेकआउट करो। तो लाइक यहाँ पे मैंने फ्रंट की हेडलाइट हाई एंड पे कर रखे हैं, सो उसको मैंने ऑफ कर दिया नो डाउट। अभी ये यहाँ पे जो स्विच है ये बेसिकली ऑफ है, विच मीन्स अभी ये इवन बिल्कुल भी रन नहीं करेगा अगर मैं इसको रन भी कराऊँ तो। एंड यहाँ पे बेसिकली पी पार्किंग मोड जैसे कई फीचर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे ऑब्वियसली, ब्रेक इंसर्ट करके देखेंगे तो। नीचे में जो डिजिटल डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे अपने को स्पीड देखने को मिलेगी। स्पीड के नीचे में अगर बात करती है मोड्स हैं, मोड बेसिकली मैंने ड्रैग पे रख रखा है, सो ड्रैग पे अभी शो नहीं करेगा, ड्रैग का परफॉर्मेंस दूसरा होता है। एंड अगेन यहाँ पे जैसे ही मैंने इको में किया तो अपने को इको देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ सेंटर में। एंड जैसे पावर में करूँगा यहाँ पे पावर मोड हो गया। ऑडोमीटर की रेंज बता दूँ यहाँ पे 2.3 किलोमीटर चल चुकी है ऑब्वियसली रेंज। अभी लाइक अपन ने पावर मोड सेलेक्ट किया है तो पावर मोड के लिए यहाँ पे 30 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इको मोड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 39 किलोमीटर्स की रेंज ये शो कर रहा है ऑब्वियसली। ये अच्छी चीज़ है, ऑब्वियसली अपने को पता लग जाता है लाइक कितना अपन चला सकते हैं उसके लिए। ओवरऑल ये कुछ फीचर्स थे। एंड इसके साथ ही आपको एक और चीज़ मैं चेकआउट करवा दूँ, लाइक अपने को जैसे इसका ड्रैग मोड एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैग मोड पे यहाँ जाएंगे, देन उसके बाद एक ब्रेक अप्लाई करेंगे एंड ये जो बटन है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑन करेंगे। इसको जैसे ही ऑन करेंगे अपनी हैजर्ड लाइट ऑन हो जाती है, वो एक बार मैं चेकआउट करवा दूँ कैसी क्या देखने को मिलती है ऑब्वियसली।
लाइक जैसे रियर्स में हो गई, एंड यहाँ के एक बार ब्रेक लाइट भी चेकआउट करवा दूँ। ब्रेक लाइट में अगेन ये पूरा कंसोल थोड़ा हैवीली जल जाता है, तो ये कुछ इसका ओवरऑल सीन है। जैसे ड्रैग मोड को एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक ब्रेक अप्लाई करना है, देन इग्निशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इग्निशन तो अप्लाई करना ही होगा। सो जैसे ही मैंने इग्निशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अगेन ये रेड लाइट आ चुकी है, विच मीन्स अपनी जो स्कूटर है वो रेडी है। एंड अब अगर बात करते हैं इसका जो ड्रैग मोड है, ड्रैग मोड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इसको ऑन किया है ड्रैग पे, एंड यहाँ पे अगेन रिवर्स और जो ड्रैग वाला स्विच है इसको ऑन कर दिया। इसके बाद इधर जो क्रूज वाला जो बटन है उसको थोड़ा सा लॉन्ग एक सिंगल प्रेस ब्रेक प्रेस करके इसको एक बार वो जैसे ही क्रूज किया तो यहाँ पे जैसा कि मैं चेकआउट करा दूँ अभी ड्रैग आ गया है। सिंपली ड्रैग में ये देख लो इस टाइप में इसका मोशन चलता रहेगा, एंड यहाँ पे स्पीड 2.3 मैक्स चलती है। इसे ही बेसिकली जो ड्रैग मोड में इंक्लूड करते हैं। इसको जस्ट ऑफ करने के लिए सिंपली अपने को ब्रेक प्रेस करके रिलीज करना है, ऑब्वियसली ऑफ हो जाएगा। ये कुछ सीन है। अब इसका रिवर्स चेकआउट करा दूँ। रिवर्स के लिए अगेन इसको इको में लाना है, नो डाउट। यहाँ पर इको में आने के बाद जस्ट इसको रिवर्स में कर रखा है। सो यहाँ पे अपने को जो क्रूज वाला बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना है। अभी जैसा कि मैं चेकआउट करवा दूँ टायर रन नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मीटर में अपने को रिवर्स शो कर रहा है ऑब्वियसली। ये भी चीज़ चेकआउट, जैसे मैं एक्सेलरेशन करूँगा ऑब्वियसली यहाँ पे 3.4 तक मैक्स जाता है। एंड जो टायर की डायरेक्शन में चेकआउट करा दूँ ये अगेन रिवर्स में चल रहा है ऑब्वियसली। सो ये इसमें इसका रिवर्स मोड है बेसिकली अगर इसकी बात करें तो। इसको ऑफ करने के लिए जस्ट सिंपली अपने को इस बटन को ऑफ करना है, एंड ये चीज़ ऑफ हो जाएगी ऑब्वियसली। अभी फ्रंट में चलने के लिए रेडी है। एंड उसके साथ ही आपको एक और चीज़ चेकआउट करा दूँ इसकी, लाइक इसका जो स्टीयरिंग है वो फुल्ली लाइट है, नो डाउट, चलाने में कोई इशू होगा नहीं। रेंज वगैरह इसकी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ क्या इसकी रेंज है, पावर वगैरह। एंड अब इसके जो सीट्स की बात करेंगे लाइक अंडर सीट स्टोरेज की, तो वहाँ पर चेकआउट कर दूँ। यहाँ से बेसिकली इसको सीट को खोलने के लिए अपने को जस्ट इस की को अपने एज इट इज़ यहाँ पे ट्विस्ट करना है। जैसे ही ट्विस्ट करेंगे नॉर्मली माइस्ट्रो वगैरह में जैसे सीट खुलती है वैसे इसमें सीट खुलेगी। सीट खुलने के बाद चेकआउट करा दूँ ये लाइक यहाँ पे अपनी बैटरी है 48 वोल्ट्स की, 2 किलोवाट आवर की अपने को बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी के साथ अगर बात करूँ तो अपने को इसके साथ अपने को चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर का बात करूँ तो नॉर्मली यहाँ पे 3-pin सॉकेट वाला चार्जर देखने को मिलेगा। कंसोल कुछ ये है इसका, एंड ये अगेन इसको अपन बेसिकली बैटरी को चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। ये बैटरी यहाँ पे रिमूवेबल है, इसको निकालने के लिए लाइक अपने को ये बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का ये जो रिवर्ट है इसको जस्ट स्लाइड करेंगे, यहाँ पे बैटरी रेडी हो जाएगी निकालने के लिए। एंड निकालने के लिए जस्ट इसको सिंपली पुल करना है। और ये कुछ इसकी ओवरऑल बैटरी है अगर चेकआउट करवा दूँ तो। बैटरी काफ़ी स्मॉल है ऑब्वियसली अगर बात करूँ तो। बैटरी का वेट अगर बात करूँ तो यहाँ पे अपने को 12 kg की ये बैटरी देखने मिलेगी। काफ़ी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है, इसको कहीं भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं, नो डाउट, एल्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सो अगेन इसको पुट करते हैं। बैटरी पुट करने के लिए यहाँ पे अगेन स्पेस है, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ लफड़ा है भी नहीं, इसको ईजिली रख सकते हैं। लाइट वेट है सो ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। एंड अगेन आई थिंक मैंने इसको थोड़ा उल्टा रख दिया है। यहाँ पे रखेंगे एंड इसको जस्ट इंसर्ट करने के लिए जस्ट इसको प्रेस करना है, नथिंग एल्स। जैसे इसको प्रेस करेंगे 1 click साउंड अपने को देखने को मिलेगी, बैटरी इज गुड टू गो, फुल्ली रेडी हो जाएगी। स्पेस बात करते हैं, यहाँ पे 12 लीटर्स का है ऑब्वियसली, लाइक छोटा हेलमेट अपन इजीली रख सकते हैं, हाफ फेस हेलमेट, तो उसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। एंड इसके साथ एक और चीज़ चेकआउट करा दूँ कि यहाँ पे अपने को लाइक USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे फ़ोन रखने का प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली गिरेगा नहीं, इधर उधर से सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही यहाँ पे इसमें होल्डर्स भी हैं, सो इनकी हेल्प से ज़्यादा फ़ोन का मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे अपन सेफली इसको रख सकते हैं। ये मुझे प्लस पॉइंट लगा ऑब्वियसली। ये कुछ सीन है। स्पेस वगैरह चेकआउट करते हैं, सीट अच्छी है, काफ़ी अच्छा कंसोल बनाया गया है ऑब्वियसली। सो ये कुछ सीन है। अब इसकी कुछ एक चीज़ें जो बची हैं, इसकी पावर, फिगर, रेंज वगैरह जो भी आप नेक्स्ट जस्ट अभी वीडियो में मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ सीन है इसका ओवरऑल। एंड साथ इसकी प्राइस पॉइंट की बात करें तो वो अपने को 97,600 की इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है।
इसमें आई थिंक सब्सिडी वगैरह इंक्लूडेड है ऑल ओवर। लाइक कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली सब्सिडी नहीं मिलती है, काफ़ी स्टेट्स में मिलती है, तो वो इसमें आई थिंक लेस हो जाएगी, नो इश्यू। बाकी ये इसका फाइनल प्राइस है, इसमें ऑब्वियसली सब्सिडी लेस हो जाती है। सो ये कुछ ओवरऑल इसका सीन है। मैंने आई थिंक सारा स्कूटर आपको चेकआउट करवा दिया है, सो थैंक यू। सो इसको एक्सेस करने के लिए की मिलती है, की को जस्ट यहाँ पे इंसर्ट करके ऑन करेंगे। ऑन करते ही अपने को एक दो मिनट का वेट करना पड़ेगा, सॉरी एक दो सेकंड का, एंड ये या गुड टू गो, रेडी हो चुका ऑलरेडी। ब्रेक प्रेस करना है रियर का एंड द इग्निशन बटन को ऑन करना है। यहाँ पे रेड लाइट अगेन आ चुकी, सो इट्स रेडी। तो इको मोड का कुछ ये सीन है, बता दूँ काफ़ी अच्छा चलता है। ऑब्वियसली पावर मोड पे चलाते हैं बेसिकली, रिवर्स मोड वगैरह मैंने सारे आपको ऑलरेडी बता दिए थे। सो इको मोड में इसकी जो रेंज अपने को चार्जिंग में देखने को मिलती है, लाइक कितने अपन इसको राइड कर सकते हैं, वो है इसकी नियर बाई 80 किलोमीटर्स की। एंड अगर पावर मोड में बात करेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाती है ओबियसली, अपने को पावर मोड में नियरली अबाउट 50 के आसपास कम ही दे पाता है। सो ये कुछ सीन है। टॉर्क वगैरह अच्छा है, ओबियसली दो लोग बैठे हैं बट एड सच कोई ज़्यादा फील हो नहीं रहा। हेडलाइट्स वगैरह इसमें एलईडी हैं, पावर फिगर्स मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये कुछ सीन है और वर्थ ही टायर प्राइस इसकी लाइक 97,600 है, उसमें ओबियसली राजस्थान वगैरह में बात करते 87-88 के आसपास पड़ेगा सब्सिडी वगैरह लेस करके। ब्रेकिंग जैसा कि अभी चेकआउट करवा दी इवन मैंने, कितना सडन ब्रेकिंग है, सो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ओबियसली, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है देखने को मिलेगी। सो ये कुछ सीन है यहाँ का। स्कूटर ऑब्वियसली वर्थ इट है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। बैटरी रिमूवेबल है, 3 to 4 hours लेती है ऑन ए फुल चार्ज। एंड ब्रेक वाला वही सेम मैटर आता है कि जैसे ही आप ब्रेक पे टच करोगे ऑब्वियसली गाड़ी स्लो डाउन हो जाए, इवन मतलब एक्सीलरेशन काम करना छोड़ देगा। अब अगर इसका चेकआउट करा दो एक्सपीरियंस वगैरह, ब्रेकिंग जिसमें ऑब्वियसली कॉम्बी ब्रेक है, सो काफ़ी एफिशिएंट ब्रेकिंग देखने को मिलती है इसकी अगर बात करें तो। चलाने में लाइट स्कूटर लगता है ऑब्वियसली। या सस्पेंशन बात करें बेसिकली इसमें ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे पीछे में, अगेन फ्रंट में भी डबल शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो सस्पेंशन वाइज काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आता है इसका। अभी करंटली हम इको मोड में ड्राइव कर रहे हैं, साउंड ऑब्वियसली नहीं है इसका। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ सीन है इसका। सस्पेंशन वाइज काफ़ी सॉफ्ट है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लाइक इको मोड है, इको में अपने को यहाँ पे टॉप स्पीड इसकी 40 किलोमीटर की देखने को मिलेगी अगर इको मोड की बात करें तो। सो जैसे अभी यहाँ पे चेकआउट करा दूँ, रोड मुझे खाली मिल गया है, सिंपली अपने को थ्रोटल करना। अभी जस्ट हम दो बंदे बैठे हैं, सो यहाँ पे भी इवन दिखा देता हूँ, या 40 इसकी लास्ट स्पीड है यहाँ के लिए। सो ये कुछ सीन है। अब इसका जो पावर मोड उसको जस्ट यहाँ से एक्टिवेट करेंगे एंड देन अब चेकआउट करते हैं लाइक क्या कितना क्या सीन निकल के आता है, कितना क्या पिकअप का आउटपुट निकल के आता है, वो भी चेकआउट करेंगे जस्ट। तो बोल जैसे पावर मोड में आने के बाद थोड़ी सी काफ़ी सॉफ्ट हो गई ऑब्वियसली चलने में, एज सच कोई इश्यू हुआ नहीं यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जैसे टर्न्स वगैरह पे चलाते हैं तो अपने को कोई स्किड वाला कोई चांस मिलता ही नहीं है। पावर मोड में अपने को 65 तक की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। आई थिंक मैं यहाँ पे इसको क्रूज करके बता सकता हूँ। अगेन इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, उसको भी मैं एक्टिवेट करना बता दूंगा कि लाइक जितने स्पीड पे चलाओ उस पर क्रूज वाले को थोड़ा सा लॉन्ग क्रूज करना है, थोड़ी सी देर लॉन्ग प्रेस करना है एंड अपन इजीली बाय दैट अपन इजीली इसको क्रूजिंग में डाल सकते हैं। सो ये कुछ सीन है इसका ओवरऑल। पावर में ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी पिक करती है। अभी लाइक दो बंदे बैठे हैं तो यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड में एक बार चेकआउट करवा देता हूँ कितना क्या टाइम लेती है। लाइक 39, 40, 45 ऑब्वियसली या स्पीड में थोड़ा सा लाइक टाइम लगता है बट ऑब्वियसली गेन कर लेगी नियर बाई 55-65, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ इश्यू है नहीं इसके रिगार्डिंग। सो ये कुछ सीन है। बाकी ब्रेकिंग इसकी अगेन चेकआउट करा दूँ, काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें रीजन नहीं देखने को मिलता, ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट नहीं है इस बाइक के रिगार्डिंग अगर बात करना चाहें तो। ये कुछ सीन है। राइडिंग पोस्चर बताऊँ तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मार्ट भी लगती है इवन अगर इसकी राइडिंग पोजिशन वगैरह की बात करें तो। चलाने में अच्छी है, सॉफ्ट है,
एंड इसकी जो मोटर पावर्स वगैरह एक बार वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 1.5 किलोवाट की मोटर देखने को मिलेगी एंड उसके साथ ही 2 किलोवाट की 48 वोल्ट्स के साथ अपने को 2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिलता है। बैटरी इसमें बेसिकली रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी, तो वो अगेन है प्लस पॉइंट है। चार्जिंग टाइम से बात करें तो वो 3 to 4 आवर्स का है फॉर द बैटरी। सो अब यहाँ पे अपने इसका फर्स्ट ऑल एक वॉक अराउंड ले लेते हैं, देन उसके बाद राइड करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इसको खड़ा कर दिया, बाय चांस कोई एक्सलेट करेगा ऑब्वियसली चलेगी, तो इसको जस्ट डी यहाँ पे ये जो इग्निशन ये शाइन आ रही है बेसिकली इसके ऑन के लिए है, इसको ऑफ करने के लिए जस्ट अपने को सेल्फ बटन को अगेन दबाना है। अब इवन कोई रनिंग वगैरह नहीं होगी इस बाइक की, यहाँ पे अगेन शो भी करेगा लाइक प्रेस ब्रेक पेडल प्रेस ब्रेक्स एंड इग्निशन स्विच ऑल्सो।